press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेस कैमी। मेरा नाम है अलक्षेंद्र रॉयज़ादा और सबसे पहले आज मैं आप लोग को आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कंटिन्यूसली देख रहे हो रेगुलर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको ढूंढने के लिए बार बार आपको चैनल को ढूंढना ना पड़े। तो आप सब्सक्राइब कर दोगे, आपको वीडियो नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके शो हो जाएगी आपको यूट्यूब की। तो दोस्तों, आज मैं आपके पास ये चैप्टर लेकर आया हूँ, चैप्टर 9 बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स क्लास 11th का, फिजिकल एजुकेशन का। तो आज इसके ऊपर मैं आपको डिस्कस करूँगा। वीडियो आज की भी बड़ी बनेगी, लेकिन ये रहेगा कि आज मैं एक एक चीज़ डिस्कस, एक एक वर्ड आपको बिल्कुल क्लियरली बताने की कोशिश करूँगा और ढंग से अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है? क्योंकि कुछ कमेंट्स आए हैं जिसमें मेरे को कुछ सजेशंस मिले हैं, तो मैं उस हिसाब से देखूँगा कि क्या मैं आपको उतना अच्छा बेस्ट तरीके से दे पाता हूँ कि नहीं। उस हिसाब से मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बेस्ट देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 9 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। क्या मतलब होता है, क्या इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है ये बायोमैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उसकी एप्लीकेशन स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। न्यूटन्स का एक लॉ ऑफ मोशन होता है, वो हम पढ़ेंगे क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन स्पोर्ट्स के अंदर क्या होती है ये भी पढ़ेंगे। लीवर्स और उसके टाइप्स और उसकी एप्लीकेशंस स्पोर्ट्स के अंदर ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, डायनामिक क्या होता है इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ होती है और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है स्पोर्ट्स के अंदर। और लास्ट हम फाइनल पढ़ेंगे फोर्स, वो भी हम दो तरीके के फोर्सेस पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स, और इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे स्पोर्ट्स के अंदर क्या होती है। तो शुरू करते हैं हम पहले टॉपिक आज से, तो हमारा मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो इसमें हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी होती है और एनालिसिस होती है ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न्स की स्पोर्ट्स के अंदर, इसी को हम बायोमैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसे पढ़ते हो, उसका एनालिसिस करते हो, ठीक है, किसको, जो भी ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक लॉन्ग जंप लगा रहे हो तो उसमें किस तरीके का आप मूवमेंट पैटर्न कर रहे हो, इसकी स्टडी को कह सकते हैं आप बायोमैकेनिक्स, ठीक है। तो जितनी भी सारी ये मूवमेंट पैटर्न्स की स्टडी होती है सारी बायोमैकेनिक्स के अंदर आती है। स्टडी स्ट्रक्चर की, फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गन्स और सेल्स, मेथड ऑफ मैकेनिक्स के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। बायोमैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की और फंक्शन की बायोलॉजिकल सिस्टम्स की, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गन्स और सेल्स के, मेथड ऑफ मैकेनिक्स का यूज़ करके, तो इसे हम बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। जो एप्लीकेशन होती है मैकेनिकल लॉस की, वो हम करेंगे लिविंग स्ट्रक्चर पे, ठीक है। किस तरीके से हम मैकेनिकल लॉस को अप्लाई कर सकते हैं लिविंग स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो ये कैसे मदद करता है, ये मदद करता है टेक्निक को इम्प्रूव करने में, करेक्ट करता है, सही करता है और रेक्टिफाई करता है एरर को, मतलब सही करता है एरर्स को स्पोर्ट्स पर्सन के, ताकि किसी भी स्किल को वो ढंग सही से एग्जीक्यूट कर सकें, मतलब सही से उस स्किल को कर सकें, ठीक है। डिस्कवर करता है एक नया और ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक, ठीक है, जिससे वो स्पोर्ट्स स्किल को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो नई और ज़्यादा इफेक्टिव, जो ज़्यादा बढ़िया टेक्निक होगी उसको डिस्कवर करने में हेल्प करता है, मतलब खोजने में हेल्प करता है। फोर्स बरी फ्लोप और स्टेडल टेक्निक, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी। क्वालिटेटिव बायोमैकेनिकल एनालिसिस फॉर करेक्शन, और क्वालिटेटिव आप कर सकते हो बायोमैकेनिकल एनालिसिस करेक्शन सही करने के लिए। क्वालिटेटिव आप क्या क्वालिटी, मतलब जो आप स्किल परफॉर्म कर रहे हो उसकी क्या क्वालिटी है, उसको कैसे आप और करेक्ट कर सकते हो। और क्वांटिटेटिव बायोमैकेनिकल एनालिसिस फॉर डिस्कवरिंग न्यू टेक्निक्स, और क्वांटिटेटिव में आप वैल्यूज चेक करते हो और उससे आप एनालिसिस करके नई टेक्निक्स को, नई तकनीक को खोजते हो, ठीक है। और क्या करता है ये देखो, सबसे पहले तो आपका स्टेडल एंड फ्लोसरी जो टेक्निक थी उसके बारे में बताया है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सबसे पहले वाली आपकी स्टेडल है, इसमें आप इस तरीके से मूवमेंट होती है, और फ्लोसवरी फ्लोप में इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों में बायोमैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ये इक्विपमेंट को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, डिज़ाइन जो होते हैं इक्विपमेंट के, उनको इम्प्रूव करने में, मतलब उनको और बेहतर बनाने में। शूज़ और स्पोर्ट्स क्लोथ होते हैं, उनके डिज़ाइन को इम्प्रूव करने में, ठीक है।
जो बेटर इक्विपमेंट होता है उससे परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है और इंजरी का रिस्क भी कम होता है, ठीक है, चोट वोट लगने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। बेटर रैकेट्स का इस्तेमाल होता है रैकेट गेम्स में, अच्छे हेलमेट्स का इस्तेमाल होता है ताकि जो इंजरी का रिस्क है वो चोट का खतरा है वो कम हो जाए, आइस हॉकी गेम में, फुटबॉल में और अलग गेम्स बाकी गेम्स में। एरोडायनेमिक क्लोथिंग का यूज़ करिए, खास तरह की क्लोथिंग होती है जो आप स्कीइंग में यूज़ करते हो, ठीक है, स्पीड स्केटिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और इन सब में, ठीक है, तो इस सब में इक्विपमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। बायोमैकेनिक्स का यूज़ करके हम टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी तकनीक है उसको बेहतर बना सकते हो, और बायोमैकेनिक्स का यूज़ करके हम इक्विपमेंट को सही कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं, और बायोमैकेनिक्स का यूज़ करके हम रिस्क और स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज को भी बचा सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको मैंने भी बताया था। इसके बाद आ जाता है आपका चौथा पॉइंट जो कहता है कि आप इंजरीज प्रिवेंट करते हो, वही चीज़ है जो कॉजेज होती हैं इंजरी की वो तक बता देता है कि क्या किस वजह से आपकी इंजरी कॉज हो रही है, और मदद करता है प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन में। अब ये रिहैबिलिटेशन क्या होता है, रिहैबिलिटेशन होता है आपका कि जब आपको कोई बहुत बड़ी इंजरी लग जाए या डिजीज़ हो जाए या फिर आप बहुत टाइम से कुछ एडिक्शन में थे और वापस अपने नॉर्मल स्टेट पे आ रहे हो, ये होता है आपका रिहैबिलिटेशन। आपकी नॉर्मल हेल्दी स्टेट में आप आ रहे हो एक गलत स्टेट से, तो वो होता है रिहैबिलिटेशन, और उसमें ये मदद करता है आपको, और कोज को आइडेंटिफाई करता है, और रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज से चेंजेस किए जाते हैं टेक्निक्स के अंदर और इक्विपमेंट के अंदर ताकि जो रिस्क है स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज का ये कम हो सके। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट होता है, ये मदद करता है ट्रेनिंग में भी, ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने में भी। जो मैकेनिकल आपका एनालिसिस होता है टेक्निकल डेफिशिएंसीज का किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का, ये क्या करता है, मदद करता है आइडेंटिफाई करने में टाइप ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड के लिए, ठीक है, ये मदद करता है आइडेंटिफाई करने में कि किस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। जो वीक एरियाज होते हैं ये हो सकते हैं स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड ऑफ मूवमेंट और बॉडी एक्शंस, ठीक है, तो वीक एरियाज में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड ऑफ मूवमेंट और बॉडी एक्शंस हो गए, और आपके लाइक कमज़ोर एरिया हो गए, इनको आप इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हो, मतलब हेल्प मिलती है बायोमैकेनिक से, और कस्टमाइज ट्रेनिंग को इम्पार्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन से, मतलब कि पर्सन टू पर्सन हम उसे अलग अलग ट्रेनिंग देंगे जिससे उसका बेस्ट उसका आ सके बाहर। इसके बाद सिक्स्थ आपको ये हेल्प इम्पोर्टेंस होती है कि ये मदद करता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में भी, ठीक है, कि किस तरीके से आप वो चीज़ सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसमें भी मदद करता है। जो बायोमैकेनिक्स होता है मदद करता है बॉडी को मूव करने में प्रिसीजन से, ठीक है, कि आपको कितने आपको बारीकी से उसको मूव करना है अपने शरीर को कि आपका जो भी आप स्किल कर रहे हो परफॉर्म वो बेस्ट तरीके से हो, ठीक है, बेहतरीन तरीके से हो। तो अंडरस्टैंडिंग बायोमैकेनिक्स ये हमें मदद करते हैं किसी भी टीचर को राइट डिसीजन लेने में, ठीक है, यानी कि सही फैसले लेने में। तो बायोमैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको मदद करती है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ये सीखने में उसके वीकर एरियाज को कि वो किन हिस्सों में वो कमज़ोर है, ठीक है, और उसे मोटिवेशन भी देती है, ठीक है, अंदर से जोश देती है कि ताकि वो अपने एक्शंस और पोस्चर्स को सही कर लें, ठीक है, जो भी वो काम कर रहा है और जो भी उसका बैठने का तरीका है, खड़े होने का तरीका है, पोस्चर्स उसको सही कर लें ताकि जो परफॉर्मेंस है और वो एनहेंस हो जाए, बढ़ जाए उसकी परफॉर्मेंस और इंजरीज भी प्रिवेंट हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है स्पोर्ट्स में। ये आप कह रहे हो कि फिजिक्स कहाँ से आ गई, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। अभी बायोमैकेनिक्स भी एक तरीके से फिजिक्स का ही पार्ट है, तो ये सारा उसी में चल रहा है। जब भी हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं बायोमैकेनिक्स का एरिया को या ह्यूमन मूवमेंट के एरिया को, तो आप क्या देखोगे, यूजफुल है मोशन को देखने हैं ऑब्जर्वेशन के जो सर आइज़ैक न्यूटन ने की थी। और सर आइज़ैक न्यूटन कौन थे, ये एक फेमस 17वीं सेंचुरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप करे थे 3 लॉज जो सारे मोशन को गवर्न करते हैं, ठीक है, इन्होंने 3 लॉज बनाए थे जो सारे मोशन को गवर्न करते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो ये आपको अच्छे से पता होगा, और मोस्ट वर्ली आप सभी ने पढ़ी होगी साइंस, लेकिन मैं फ्री बता देता हूँ आपको। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। एक बॉडी क्या होती है, लगातार स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, मतलब अगर कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी हुई है कहीं पे तो वो वहीं पड़ी रहेगी, और या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कि सीधी चलती चली जा रही है एक स्पीड में कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो वो वैसे चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे बाहर से। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक बॉडी जो होगी वो रेस्ट पे रहेगी, जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी, या मोशन में है तो मोशन रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, अलग। और हमें एक बॉडी को मूव करने के लिए क्या करना है, एक जो फोर्स होगा वो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा
कि जो उसकी बॉडी की टेंडेंसी है उसके रेस्ट पे रहने की या इनर्शिया पे रहने की। ठीक है, यहाँ पे जो बॉडीज टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट है उसी को इनर्शिया बोला गया है। ठीक है, तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि उसका जो इनर्शिया है उसको ओवरकम कर जाए। ठीक है, आपके शरीर की क्षमता होती है स्टेशनरी पोजिशन में, मतलब कि एक जगह पर रहने की, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। जो अमाउंट ऑफ इनर्शिया होता है एक बॉडी का, वो डिपेंड करता है उसके मास पे। जितना ज़्यादा आपका मास होएगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होएगा। ठीक है, तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? आपके मास पे डिपेंड करता है। इसके बाद देखो, ये दिस सोकर बॉल विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, ये जो सोकर बॉल रखी हुई है ये क्या रहेगी? रेस्ट पे रहेगी जब तक ये बाहर से इस पर फोर्स नहीं लगेगा। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया के इसका एक एग्जाम्पल है। इसका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ एसेलेरेशन, जो एसेलेरेशन होगा ऑब्जेक्ट का, मतलब कि वो कितनी तेजी से एकदम से भाग मतलब आगे बढ़ना शुरू कर देगा, ये किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। ठीक है, जो भी उसको कोज कर रहा है उस मोशन को, ठीक है, उस एसेलेरेशन को, ठीक है, कि कितना ज़्यादा उस पर जोर लगा रहे हो आप। इट इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स, और कितना ज़्यादा आप उस पर बल लगा रहे हो। ठीक है, और जिसका वही डायरेक्शन होगा, वही दिशा होगी जिस दिशा में आप वो बल लगा रहे हो। ठीक है, और ये क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। ठीक है, मतलब कि एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, सॉरी, ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, तो आपका जो एसेलरेशन होएगा ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा मास के, ऑब्जेक्ट के। इसको समझा देता हूँ कि जितना ज़्यादा मास होएगा उतना कम एसेलरेशन होएगा, और जितना कम मास होएगा उतना ज़्यादा एसेलरेशन होएगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे नीचे दिखाया है, वो तो बाद में मैं आपको समझा देता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ एसेलरेशन क्या कहते हैं? जब एक फोर्स अप्लाई करते हैं हम एक ऑब्जेक्ट पे, तो वो मूव करेगा उस दिशा में जहाँ पे फोर्स को अप्लाई किया गया है, और साइज पे डिपेंड करते हुए फोर्स के, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हुए जो ऑब्जेक्ट है वो एसेलेट करेगा उस हिसाब से। तो स्मॉलर ऑब्जेक्ट मैंने बताया था उसका मास कम होएगा, तो वो क्या करेगा? तेज मूव करेगा। ठीक है, विल मूव फास्टर, क्योंकि उसका एसेलेशन ज़्यादा होगा देन अ लार्जर वन, क्योंकि लार्जर वन का मास ज़्यादा होगा इसलिए उसका एसेलेशन कम होगा। तो ये ग्रेटर फोर्स क्या करेगा? वहीं उसी जगह पे जो ग्रेटर फोर्स होगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ऑब्जेक्ट फास्टर चलेगा, और जितना कम फोर्स लगाओगे उतना स्लो चलेगा। इसके बाद आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, एफ इक्वल टू एम ए। यहाँ पे एफ है आपका फोर्स, एम है मास, और ए है एसेलरेशन। द मोर फोर्स द मोर एसेलरेशन, जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हो आप बॉल पे क्रिकेट खेलते समय वो उतनी दूर जाएगी, जितना जमें आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हो फुटबॉल किक मारने में उतनी ज़्यादा बॉल आगे जाएगी। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ मास फोर्स एंड एसेलरेशन था। इसके बाद आता है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रिएक्शन, नहीं है सॉरी थोड़े से एरर है, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन आएगा। वेन एवर फोर्स इज अप्लाइड देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जब भी एक फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा? एक बराबर और उल्टी दिशा में उसका क्या लगेगा? रिएक्शन लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन और कुछ नहीं है, फोर्सेस का ही नाम है। ठीक है, मतलब कि आप अगर ज़मीन पे बल लगा रहे हो तो ज़मीन पे आप पे बल लगाएगी। ठीक है, आप दीवार पे बल लगाने की कोशिश करोगे तो दीवार भी आप पर बल लगाएगी, मतलब कि फोर्स लगाएगी। ठीक है, और वो जो फोर्स लगाएगी वो क्या होएगा? बराबर होएगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे थे। मतलब आप दीवार की तरफ लगा रहे हो तो दीवार आपकी तरफ फोर्स लगाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अगर एक एथलीट एग्जर्ट कर रहा है फोर्स को ग्राउंड पे, ज़मीन पे वो फोर्स लगा रहा है अब उसको धक्का देने के, ग्राउंड को आगे नीचे दबाने हो, तो ग्राउंड भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको इक्वल, और अपोजिट फोर्स एथलीट पे, जिससे क्या होएगा? वो एयर की तरफ उछल सकता है। ठीक है, अगर वो उछलना चाहे तो। फर्स्ट फोर्स जो होगा एथलीट का, जो पुश कर रहा होगा ग्राउंड में, उसे हम बोलेंगे एक्शन फोर्स। जो फोर्स एथलीट लगा रहा है पहले उसे एक्शन फोर्स बोल रहे हैं, और जो सेकेंड फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है एथलीट पे उसे हम रिएक्शन फोर्स बोल रहे हैं। जब सेकेंड बॉडी अप्लाई करेगी अपोजिंग फोर्स बैक, ठीक है, अपोजिंग फोर्स मतलब जो भी आप फोर्स लगाते हो तो उसका कोई फोर्स अपोज करेगा। ठीक है, आप किसी पर्सन को जाके आप धक्का देने की कोशिश करोगे तो वो अगर वो देख रहा होगा कि आप क्या कर रहे हो तो उसे रोकने की कोशिश करेगा, वही अपोजिंग फोर्स है। तो यहाँ पे देखो, बैलून में से एयर पीछे से निकलती है तो बैलून आगे की तरफ बढ़ता है। इसके बाद बुलेट में भी एक्सेलरेटिंग फोर्स होता है, तो बुलेट तो आगे जाती है लेकिन एक रिकॉइलिंग फोर्स गन में पीछे की तरफ लगता है। इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन का ही ये आपके एग्जाम्पल्स हैं सारे। इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन फोर्स समेशन की, जिसे हम बोलते हैं फ्री थ्रो शॉट टेक्निक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मोमेंटम देने के लिए, किसी भी एक्टिविटी में जैसे कि थ्रोइंग, किकिंग और स्ट्राइकिंग करने, किसी भी ऑब्जेक्ट को मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो अमाउंट ऑफ मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, हम उसे कैसे निकाल सकते हैं? जो हम छोटी छोटी फोर्सेस लगा रहे हैं
उन सबका सम कर देंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जनरेटेड बाय ईच बॉडी पार्ट। आपका हाथ फोर्स लगा रहा हो, कुछ पैर लगा रहा होगा और कुछ बॉडी के चेस्ट लगा रहे हो, मतलब जो भी पार्ट्स आपके फोर्स लगाने में हेल्प कर रहे हैं उन सबका सम कर रहोगे, दैट इज फोर्स समेशन। मैक्सिमम मोमेंटम गेन करने के लिए आपको करना पड़ेगा, जो फोर्स होएगा उसे जनरेट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट्स का यूज़ करके बॉडी के जितने पॉसिबल है और करेक्ट सिक्वेंस में, यानी कि पहले आपको लार्ज मसल्स का यूज़ करना पड़ेगा पहले और फिर स्मॉल मसल्स को यूज़ करना पड़ेगा लास्ट में, लेकिन जो लास्ट स्मॉल और ये भी सारी चीज़ जल्दी होनी चाहिए, ठीक है, और सारी चीज़ करेक्ट टाइमिंग के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल सही टाइमिंग होनी चाहिए और ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन से होनी चाहिए, तब जाके आपको मैक्सिमम मोमेंटम मिल पाएगा। इसे बोलते हैं फोर्स समेशन। तो मैक्सिमाइज पावर और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब पूरे ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आपको करना पड़ेगा, पूरी बॉडी का यूज़ करना पड़ता है। आपकी बॉडी क्या करती है, एक साथ नहीं मूव करती है पूरी की पूरी, तो आपको जो शॉर्ट होएगा वो इगन करेगा, शुरुआत होएगी उसमें आपके पैर मूव करेंगे, ग्राउंड में घुस रहे होंगे, ठीक है, ज़मीन में मतलब दबाओगे आप, और जो फोर्स होएगा फिर रिटर्न होएगा पैर से आपके लेग्स में और फिर शोल्डर्स में और फोर आर्म्स तक आएगा राइट टू द रिलीज ऑफ द बॉल एट द फिंगर टिप्स। तो आप ज़मीन से फोर्स लगा के अपने फिंगर टिप्स तक ला रहे हो और उसके बाद उसको रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, इसे बोलते हैं हम फ्री थ्रो शॉट टेक्निक। इसके बाद आते हैं लीवर्स और उसके टाइप्स और उसके एप्लीकेशन स्पोर्ट्स के अंदर क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ लीवर्स के आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे, देख सकते हो आप, सीजर है, ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या क्या लीवर्स होते हैं। तो लीवर क्या होती है, एक सिंपल मशीन होती है, मशीन फंक्शन करती है चार तरीके से, ठीक है, और वो क्या करती है, बैलेंस करती है मल्टीपल फोर्सेस को, एनहेंस करती है फोर्स को इस तरीके से कि जो टोटल फोर्स है जो ज़रूरत है किसी भी रेजिस्टेंस को ओवर करने में, मतलब उसको पार करने में, वो पूरा हो सके। एनहेंस करती है रेंज ऑफ मोशन को, स्पीड ऑफ मूवमेंट को, ताकि जो रेजिस्टेंस है हम उसे फर्दर मूव कर सकें और फास्टर मूव कर सकें अप्लाइड फोर्स से, ठीक है, तो इसे भी एनहेंस करती है स्पीड ऑफ मूवमेंट को, और उसके बाद अल्टर रिजल्टिंग डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, जो भी आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका जो रिजल्टिंग डायरेक्शन है, ठीक है, उसको अल्टर कर सकें, बदल सकें। नॉर्मली आपको अभी तक मैंने क्या बताया, जिस तरह डायरेक्शन फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, ठीक है, मतलब उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक्चुअल में, लेकिन लीवर में ऐसा नहीं होता है, आप फोर्स लगाते कहीं पे हो एक्ट कहीं पे करता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कैसे होगा उसमें, तो देख सकते हो आप यहाँ पे लीवर्स रोटेट करते हैं एक एक्सिस के अबाउट, ठीक है, एक रिजल्ट में फोर्स के, ठीक है, एफर्ट ई बीइंग अप्लाइड टू कॉज इट्स मूवमेंट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस और वेट, ठीक है। तो लीवर्स रोटेट करते हैं एक एक्सिस के अराउंड, ठीक है, जैसे कि एक सीजर होती है तो उसकी एक्सिस कहाँ पे होती है, जहाँ के अराउंड वो रिवॉल्व करती है, एक फोर्स की वजह से, जो फोर्स आप लगाते हो हाथों के थ्रू, ठीक है, जैसे एफर्ट बोला गया है, और जो आप लगाते हो उसकी मूवमेंट में एक रेजिस्टेंस और वेट के अगेंस्ट। इस बॉडी, एक बॉडी के अंदर जब आपकी बॉडी होती है, हमारी बॉडी होती है, इसमें क्या होती है, बोन्स उस बार्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है और जॉइंट्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फोर्स को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वेराई कर सकता है, मैक्सिमम से मिनिमम, ठीक है, मिनिमल ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम भी हो सकते हैं, और उसमें सिर्फ बोन्स भी हो सकती हैं और वेट ऑफ बॉडी सेगमेंट भी हो सकता है। जितने भी लीवर सिस्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, तीनों ही कंपोनेंट होते हैं इन तीन पॉसिबल अरेंजमेंट्स के, ठीक है। और लीवर्स क्या होते हैं, तीन पॉइंट जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके का लीवर होएगा, किस टाइप का लीवर होएगा और किस तरीके के मोशन के लिए वो बेस्ट सुटेड है, मतलब सबसे बेस्ट है। तो एक्सिस ए जो होता है वो फलक्रम होता है, फलक्रम होता है आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन, जहाँ पे आप जहाँ पे रोटेशन होती है, ठीक है। तो जैसे कि सीजर में बीचों बीच वाला पॉइंट होता है जहाँ पे रोटेशन होती है, तो वो फलक्रम हो गया उसका, इसे एक्सिस ही बोल सकते हो। पॉइंट एफ जो होता है, ये होता है आपका फोर्स एप्लीकेशन का पॉइंट, यूजली क्या होता है, मसल इंसर्शन, ठीक है, आपके से मसल इंसर्शन होती है बॉडी के लिए बता रहे हैं, तो बॉडी का हम डिस्कस कर रहे हैं साथ। पॉइंट आर होता है, ये रेजिस्टेंस एप्लीकेशन का होता है, ये क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लीवर होता है या लोकेशन होता है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आगे देखेंगे जब हम ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ लीवर्स क्या होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट क्लास लीवर, इसमें एक्सिस ए होती है फोर्स और रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास लीवर है जिसमें फोर्स यहाँ पे लग रहा है और रेजिस्टेंस यहाँ पे लग रहा है, ये आपकी एक्सिस है, ठीक है। तो मूवमेंट कहाँ होगी, आपका फोर्स यहाँ लग रहा है तो यहाँ पे इस तरह मूवमेंट होगी, ठीक है। सेकंड क्लास लीवर में
आपका रेजिस्टेंस होता है एक्सिस और फोर्स के बीच में। तो देखो एक्सिस यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे है। तो फोर्स यहाँ पर है, फोर्स आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो, तो ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, फोर्स एक्सिस और रेजिस्टेंस के बीच में होती है, ठीक है। मतलब कि ये आपका फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है, ये आपका रोटेशन पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, मतलब कि ये पॉइंट नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लीवर में, देख रहे हो कि कैसे कैसे मैंने अभी आपको बताया वही सब चीज़ें, कहाँ फोर्स लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्लास वन होता है उसे एफ ए आर से रिप्रेजेंट किया गया, इसे ए आर एफ से, इसे ए एफ आर से, और यहाँ पे एफ फोर्स को, ए आपके एक्सिस और आर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम आगे, कलर्ड में है बस और कुछ नहीं ऐसे। तो देखो यहाँ एफर्ट डल रहा है, मतलब कि फोर्स नीचे लग रहा है, फलक्रम पीछे पॉइंट है, एक्सिस जो आपकी थी, और लोड कहाँ पड़ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्लास वन लीवर का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आपका क्लास टू लीवर का एग्जाम्पल देखो, एफर्ट यहाँ लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और लोड नीचे लग रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। फलक्रम ये है, रोटेशन पॉइंट ये है, ठीक है। इसके बाद क्लास थ्री का लीवर का एग्जाम्पल, एफर्ट यहाँ लग रहा है, ठीक है। एफर्ट कहाँ लग रहा है, अब ये देखो फलक्रम ये पॉइंट है, यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, एफर्ट यहाँ लग रहा है, और ये लोड ऊपर की तरफ आ रहा है, आप नीचे से ऊपर की तरफ एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। तो ये लोड ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आपकी मशीन्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर मिलती है, एक होता है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम अरेंजमेंट होता है। ये तीन तरीके की मशीन्स आपको प्रोवाइड करती हैं मूवमेंट को प्रोड्यूस करने में। एक होते हैं लीवर्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं, व्हील एक्सल्स और पुलिस, ठीक है। तो ये तीन तरीके की मशीन्स आपको बॉडी के अंदर मिलती है। तो टाइप्स ऑफ लीवर्स क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो ह्यूमंस होते हैं वो मूव करते हैं एक सिस्टम ऑफ लीवर्स के थ्रू, ठीक है। तो इंसान भी एक सिस्टम ऑफ लीवर से मूव कर पाते हैं। जो लीवर्स होते हैं इसे आप बदल भी सकते हो, लेकिन उनको आप क्या कर सकते हो, और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो एफिशिएंटली। एक लीवर क्या होता है, एक रिजिड बार होता है, ठीक है, जो टर्न करता है एक एक्सिस के अराउंड, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसे हम फलक्रम भी मैंने अभी बताया था। एक्सिस क्या होती है, पॉइंट ऑफ रोटेशन होती है, जहाँ पे जो लीवर होता है मूव करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लीवर्स होते हैं ये क्या होते हैं, जॉइंट से बने होते हैं, जिन्हें आप फलक्रम बोलते हो, और जो बोन्स होती हैं वो कनेक्ट करती हैं उन्हें ऑब्जेक्ट्स जिनको आपको मूव करना है, ठीक है। तो देखो हमारे बॉडी के अंदर कुछ टाइप्स के हैं लीवर्स के, यहाँ पे क्लास वन लीवर का एग्जांपल दे रखा है, आपके नेक के अंदर क्लास वन लीवर होता है, क्लास टू लीवर आपके पैर में दिखा रहा है लेग में, और क्लास थर्ड लीवर आपके दिखा रहा है आपके आर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों लीवर हैं कि एग्जाम्पल दिखाएं आपकी बॉडी के अंदर। ह्यूमन लेवरेज फॉर स्पोर्ट्स स्किल्स रिक्वायर सेवरल लीवर्स, ठीक है। तो ह्यूमन लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है कि आपने कोई काम को आसान कर दिया, ठीक है, किसी और के थ्रू, ठीक है, किसी और की हेल्प लेके आपने काम को आसान कर लिया। तो ह्यूमन लेवरेज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्पोर्ट के लिए हम ह्यूमन किस तरीके से लेवरेज करते हैं स्किल्स को। इसमें होता है हमें कई सारे लीवर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि एक बॉल को थ्रो कर रहे होते हैं, और उसमें कई सारे लीवर्स इन्वॉल्व होते हैं, शोल्डर, एल्बो और रिस्ट जॉइंट्स के। जितने ज़्यादा लीवर्स एफिशिएंटली वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा बॉल दूर जाके गिरेगी। जितना ज़्यादा लीवर लॉन्गर होएगा, मतलब बड़ा होएगा, उतना ही ज़्यादा उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी इम्पार्ट होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी इम्पार्ट होगी। तो एक टेनिस प्लेयर टेनिस बॉल को हिट कर रहा है, हार्डर करेगा, मतलब बहुत तेज़ करेगा अगर वो स्ट्रेट आर्म से मार रहा है, इन कंपेरिजन टू अगर वो बेंट एल्बो से मार रहा है, ठीक है, मुड़े एल्बो से मार रहा है। तो क्योंकि जो लीवर होएगा रैकेट को इंक्लूड करके, वो बड़ा होएगा और वो फास्टर स्पीड में मूव करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इक्विलिब्रियम, डायनेमिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन स्पोर्ट्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें होती हैं ये। इक्विलिब्रियम सबसे पहले होता है, ये स्टेट होती है जीरो एक्सीलरेशन की, जहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है स्पीड में और डायरेक्शन में बॉडी के, ठीक है। ऐसी स्टेट जीरो एक्सीलरेशन की, मतलब कि कोई बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, इवन आप अभी बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो रेस्ट पे होंगे, ठीक है, और कोई भी चेंज नहीं हो रहा है स्पीड में या डायरेक्शन में बॉडी के। आप यहीं बैठे हुए हो, ना आपकी स्पीड बढ़ रही है, जीरो स्पीड है आपकी, जीरो मीटर पर सेकंड या जीरो किलोमीटर पर आवर कुछ भी ले लो, और आपका डायरेक्शन भी कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप एक जगह पे बैठे हुए हो तो डायरेक्शन का भी कोई मतलब नहीं है। स्टैटिक और डायनेमिक, दो तरीके इक्विलिब्रियम होते हैं।
स्टैटिक और डायनेमिक ये क्या होते हैं अभी देखेंगे। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस होता है आपका एबिलिटी टू कंट्रोल इक्विलिब्रियम, ठीक है, आपकी क्षमता की किस तरीके से आप अपने इक्विलिब्रियम कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो, ठीक है। तो दो तरीके इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी रेस्ट पे होती है और कम्प्लीटली मोशनलेस होती है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि अभी आप बैठे होंगे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जितने भी अप्लाइड और इनिशियल फोर्सेस होते हैं जो एक मूविंग बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं वो सारे बैलेंस में होते हैं, जिससे जो मूवमेंट होती है अनचेंजिंग स्पीड से होती है, डायरेक्शन में होती है। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि एक मैराथन में आप भागे जा रहे हो वो भी कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या हो रहा है आप कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे हो, तो आपका ये क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, जिसमें जो बाकी फोर्सेस हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, बॉडी पे जो एक्ट कर रहे हैं वो सब बैलेंस हैं, जिससे क्या हो रहा है, एक अनचेंजिंग स्पीड से आप मूव करे जा रहे हो। इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसे काबू करने के लिए और बैलेंस को अचीव करने के लिए स्टेबिलिटी को मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है, और स्टेबिलिटी आपकी प्रैक्टिस से आती है। स्टेबिलिटी एक्चुअल में है क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी बता रखे हैं। स्टेबिलिटी इज द रेजिस्टेंस टू अ चेंज इन द बॉडीज एक्सेलरेशन, ठीक है। स्टेबिलिटी आपकी होती है एक ऐसी क्षमता होती है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस होता है किस चीज़ के लिए, जो बॉडी एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है उसको रेजिस्ट करने की आपकी क्षमता होती है स्टेबिलिटी, और डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडीज इक्विलिब्रियम, ठीक है, आप अच्छे खासे खड़े हुए हो और अचानक से हवा चलती है तेजी से और आपका बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, उसको रेस्ट करने के लिए आप उसको आप स्टेबिलिटी कह सकते हो। स्टेबिली एनहेंस कैसे होती है, कैसे बढ़ती है, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकाल के और उसको अप्रोप्रिएटली चेंज करके। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का सारा मास और वेट इक्वली बैलेंस होता है, मतलब दोनों तरफ से बराबर होता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर डायरेक्शन में। बैलेंस, जो बैलेंस होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रेस्ट करने में, रेस्टिंग बॉडीज़ में और मूविंग बॉडीज़ में, ठीक है। तो एक दोनों एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें हैं। जनरल फैक्टर जो होते हैं एप्लीकेबल होते हैं जो इक्विलिब्रियम को एनहेंस करने में, स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने में और अल्टीमेटली अचीविंग बैलेंस, तीनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अ पर्सन हैज बैलेंस व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर अंदर आता है तब आपका क्या होता है, एक पर्सन बैलेंस में होता है। एक पर्सन का बैलेंस होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में उसके साइज और बेस से, जितना ज़्यादा बेस होएगा सपोर्ट का उतना ज़्यादा बैलेंस होएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो पर्सन होएगा वो क्या होएगा, उसका बैलेंस होएगा उसके वेट पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा वेट होएगा उतना ज़्यादा बैलेंस होएगा। एक पर्सन का बैलेंस होता है उसके हाइट पे भी डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, जो लोअर मतलब जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा नीचे होएगा उतना ज़्यादा बैलेंस होएगा। एक पर्सन जिसका बैलेंस है डिपेंड करता है उस चीज़ पे कि उसका सेंटर ग्रेविटी बेस और सपोर्ट के रिलेशन में कैसा है, अगर बैलेंस कम होएगा अगर उसका सेंटर ग्रेविटी एच पे है बेस के, और अगर बीचों बीच होएगा बेस के तो उसका बैलेंस ज़्यादा होएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में और बताया गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम डिफाइन करते हैं ऐसा सिंगल पॉइंट जहाँ पे जितने ही पार्ट्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वो सारे बैलेंस होते हैं। एक पर्सन जो सेंटर एक पर्सन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो सकता है उसके बॉडी पोजीशन के हिसाब से, जैसे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहाँ पे सारे पार्ट्स ऑब्जेक्ट के इक्वली बैलेंस होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे तीन फिगर दिखा रखी हैं, एक फिगर है तीन वो दिखा रखे हैं पोस्चर्स, तीन पोस्चर में आप देखोगे जिसमें आपके हैंड्स आपके साइड में हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके वेस्ट के अराउंड लाई कर रहा है, ठीक है। जिसमें आपके हैंड्स ऊपर की तरफ है वॉल फ्लोर की तरफ सॉरी रूफ की तरफ, उसमें आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये आपका एब्डोमिनल कैविटी के आसपास लाई कर रहा है, ठीक है। और आपका जो थर्ड केस है जिसमें आपने बेंड हो रखी है आपकी बॉडी, तो इसमें देख रहे हो आप सेंटर ग्रेविटी बाहर लाई कर रहा है बॉडी के, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो सीधा खड़ा हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके नेवल के अराउंड लाई करेगा, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक लड़का जो हवा में उसके बाल है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके लंग्स के अराउंड लाई करेगा, हार्ट के अराउंड, ठीक है, हाँ जिसके ऊपर है। और जो बेंट है किसी भी तरीके से या किसी डायरेक्शन में झुका हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर लाई करेगा, ठीक है।
लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है जो पास करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ग्राउंड तक, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका बॉडी का पता हो, उसे आप ग्राउंड से जोड़ दो तो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी। अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर अंदर आती है, यानी कि उसका कॉन्टैक्ट जो होता है ग्राउंड के अंदर होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिलेटिवली स्टेबल होएगा, मतलब कंपेरिजनली हम कह सकते हैं कि स्टेबल होएगा और बैलेंस होएगा। अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी बाहर होती है ऑब्जेक्ट के बेस ऑफ सपोर्ट से, यानी कि उसका जो कॉन्टैक्ट है ग्राउंड के साथ, तो वो कम स्टेबल होएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, देख सकते हो लाइन ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे निकाली गई है, और देख सकते हो पहले वाले केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, लाइन ऑफ ग्रेविटी उससे निकली है और वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर अंदर है, तो इसलिए स्टेबल है। जबकि दूसरा देखोगे आप, इसमें एक आदमी है, काफ़ी हैवी है और वो झुका भी हुआ है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके नेक के और लंग्स के बीच में लाई कर रहे हैं, वो भी थोड़ा बाहर। और लाइन ऑफ ग्रेविटी जब निकाली गई तो वो क्या हो रहा है, लाइन ऑफ ग्रेविटी उसके बेस ऑफ सपोर्ट में नहीं आ रही है, इस वजह से ये बॉडी अनस्टेबल है और ये गिर सकता है इंसान, ठीक है। इसके बाद BOS क्या होता है, बेस ऑफ सपोर्ट ही होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ग्राउंड के साथ, ठीक है। ये कितने हिस्से जो होते हैं ग्राउंड से टच कर रहे होते हैं, जितना ज़्यादा ये एरिया होएगा बेस ऑफ सपोर्ट का कवर करेगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल एक ऑब्जेक्ट होएगा। वाइड BOS मतलब VOS, और नैरो BOS मतलब यहाँ पे देखो पैर जब बिल्कुल साइड से आते हैं तो नैरो BOS, बहुत कम BOS है, और जितने पैर फैले हुए हैं वो ज़्यादा BOS है। बेस ऑफ सपोर्ट जो ऑब्जेक्ट होता है लेफ्ट में ज़्यादा स्टेबल है कंपेरिजन टू, क्योंकि इसका रिलेटिवली जो लार्जर BOS है उसकी वजह से। फिर इसके बाद फोर्स, सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस क्या होते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स मतलब कि फोर्सेस जो होते हैं या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, इस अटेम्प्ट में उसके मोशन को अफेक्ट करने में, कि मतलब रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाए, मोशन में है तो रेस्ट पे आ जाए, या फिर मोशन को में चेंज करते हैं कुछ, या फिर उसकी शेप को चेंज करने में। बिना फोर्सेस के एक्ट करे ऑब्जेक्ट पे कोई भी मोशन नहीं हो सकता। फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट को हम फोर्स बोलते हैं। मास जो होता है ये अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय ए। मोमेंटम क्या होता है, ये क्वांटिटी होता है मोशन की जो इक्वल होती है मास टाइम्स वेलोसिटी। ये सारी फिजिक्स बीच में चलने लगी है, बट ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे कैसे। जो ग्रेट, जितना ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा होएगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा इनर्शिया के चेंज में, ठीक है, और स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है। इसमें जो फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं मूवमेंट एक्टिविटीज से, ये होते हैं प्रोडक्शन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ फोर्स में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के बाहर से, ठीक है, और ये ओरिजिनेट करते हैं किससे, ग्रेविटी, इनर्शिया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये सब आपके एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जो सिर्फ मसल्स ही होती हैं जो एक्टिवली जनरेट कर सकते हैं इंटरनल फोर्स। लेकिन जो टेंशन होती है टेंडन्स में, कनेक्टेड टिश्यूज में, लिगामेंट्स में और जॉइंट कैप्सूल्स, ये भी कुछ पैसिव इंटरनल फोर्सेस को जनरेट कर सकती है, ठीक है। प्रोडक्शन फोर्स में जो अप्रोप्रिएट सिक्वेंस होता है मैक्सिमम फोर्स का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में फिर आता है, जो फोर्स होएगा किसी ऑब्जेक्ट पे उसे अप्लाई करना पड़ेगा उस डायरेक्शन में जिसमें उसे ट्रैवल करना है, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या चाहिए होता है, समेशन ऑफ फोर्सेस चाहिए होता है मूवमेंट की बिगनिंग से लोअर सेगमेंट ऑफ बॉडी के टू द ट्विस्टिंग ऑफ द ट्रंक एंड मूवमेंट एट द शोल्डर एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट्स, ठीक है। तो शुरुआत नीचे से होती है और लास्ट में आपका जहाँ पे एक्शन होता है वहाँ तक आते हैं। थर्ड चीज़ होती है आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ फोर्स, सिग्निफिकेंट मैकेनिकल लोड्स जनरेट होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं टिश्यूज ऑफ द बॉडी के, ठीक है। मतलब कि कुछ सही अमाउंट ऑफ मैकेनिकल लोड्स जनरेट होंगे और बॉडी जो टिश्यूज हैं बॉडी के वो एब्जॉर्ब करेंगे। टेंशन इन टेंडन्स, कनेक्टेड टिश्यूज, लिगामेंट्स एंड जॉइंट कैप्सूल्स, ये भी आपको जनरेट करेंगे पैसिव इंटरनल फोर्सेस को, ठीक है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन फोर्सेस में और ही बता रखे, जो इंटरनल फोर्सेस हो सकती हैं ये आपकी बॉडी बोन्स को फ्रैक्चर कर सकती हैं, डिसलोकेट कर सकती हैं जॉइंट्स को, और मसल्स और कनेक्टेड टिश्यूज को भी डिसरप्ट कर सकती हैं, ठीक है। इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए और डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए टिश्यू डिफॉर्मेशन से जो बॉडी को है उसको क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए एनर्जी को दोनों ही इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से। इसके बाद सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, जब भी एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है एक फिक्स एक्सिस के अराउंड किसी भी सर्कुलर पाथ में, तो दो अपोजिंग फोर्सेस एक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जब एक पंखा घूम रहा होता है तो पंखा आपका जो ब्लेड्स होती हैं उस पर एक फोर्स लग रहा होता है अंदर की तरफ जिसे हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, और एक फोर्स लग रहा होता है बाहर की तरफ जिसे हम बोलते हैं सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। दोनों ही फोर्स एक्ट करते ही करते हैं। जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है ये वो फोर्स होता है जो बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है यूनिफॉर्म स्पीड में,
ठीक है, उसको लगातार घूमने में मदद करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में। और ये कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है सेंटर के, ठीक है, और डायरेक्शन होता है इसका रेडियस के अलोंग सर्कल के। ये ऑब्जेक्ट को कोस करता है कि वो सेंटर की तरफ मूव करें, ठीक है। इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे तो दूसरा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट एक्ट करता है, डायरेक्शन के उस पर भी एक्ट करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगेगी। और इस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट को कोस करता है कि वो दूर रहे सेंटर से। इस वजह से जो आपके पंखे के ब्लोड्स होते हैं अंदर नहीं घुस जाते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगातार उस पर लग रहा होता है। फोर्स की एप्लीकेशंस क्या है स्पोर्ट्स के अंदर, परफॉर्मेंस में बड़ी सारी स्पोर्ट्स स्किल्स की, जैसे कि थ्रोइंग, कई एप्लीकेशंस होती हैं आपकी, लॉज ऑफ लेवरेज की, मोशन की और बैलेंस की आप देख सकते हो, मिल जाएगी आपको। थ्रोइंग में भी एंगुलर मोशन जो होता है लीवर्स का, यानी कि बोन्स हो गई बॉडी की, ट्रंक, शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट, इसका इस्तेमाल किया जाता है लीनियर मोशन को देने में बॉल में जब भी उसे रिलीज़ किया जाता है। आप देख सकते हो ये आपका यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही एक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन, काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन है, ठीक है, इसमें ये आपका काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन ही है। और आपका ये आपके और कुछ एप्लीकेशंस के एग्जांपल हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों एक और आपके लिए एक न्यूज़ है कि अगर आप लोग, मतलब अपने स्कूल में काफ़ी अच्छा आपका ग्रुप है, सर्कल है, और आप जानते हो छोटी क्लासेस के बच्चों के, तो आप उनको भी ये चैनल शेयर करो, क्योंकि अब मैं छोटी क्लासेस के लिए भी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। 9th, 10th, 11th, 12th की सबकी वीडियोस एक एक करके आना शुरू हो जाएगी। और अभी मैं अभी रिसेंट में 9th क्लासेस के वीडियोस कुछ दिनों में लॉन्च करने, मतलब डालने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ। और बाकी जो 11th क्लास के जो चैप्टर्स रह गए हैं ये भी मैं धीरे धीरे कवर कर लूँगा, मुश्किल से एक दो हफ्ते के अंदर सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो वीडियो को अच्छी लगी हो, और लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करो, दिल से करो, और हमें सपोर्ट करते रहो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।